हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेक ग्राफर और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, यहाँ वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है वो किसके बारे में है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है ये पेन ड्राइव, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर लिखा गया है SanDisk का ड्यूल ड्राइव यूएसबी टाइप सी वाला पेन ड्राइव। एक्चुअली गाइस, ये जो पेन ड्राइव है मैं इसलिए यहाँ पर ले आऊँ क्योंकि गाइस बहुत सारे यहाँ पर जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, चाहे मिड रेंज हो चाहे फ्लैगशिप हो, सभी स्मार्टफोनों में अभी टाइप सी वाला पोर्ट दिया जा रहा है। तो बहुत कम ही यहाँ पर पेन ड्राइव है जो इस फीचर के साथ आता है, टाइप सी वाला फीचर। तो गाइस, ये इसका जो पेन ड्राइव है इसलिए यहाँ पर ले आऊँ क्योंकि इस पेन ड्राइव में मेन हाईलाइट फीचर है टाइप सी वाला पोर्ट। तो इसलिए मैं ये पेन ड्राइव यहाँ पर खरीदा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं इस पेन ड्राइव के एक बार हाईलाइट्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत पीसी और मैक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये 128 GB वाला वेरिएंट है और यहाँ पर आप स्पीड का बात करें तो 150 MB पर सेकेंड यहाँ पर स्पीड आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक SanDisk का लोगो दिया गया, इधर भी एक SanDisk का लोगो है और नीचे की तरफ यहाँ पर USB 3.1 और USB Type-C यहाँ पर आपको लिखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ विन गोल्ड करके है, लेकिन सर स्क्रैच करने के लिए बोल रहा है तो मैं अब बाद में दिखता हूँ। तो यहाँ पर पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर प्राइस यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक्चुअली यहाँ पर जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस नहीं है, जो एक्चुअल प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है 1679, मतलब 1700 के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 128 GB वाला पेन ड्राइव, जो कि मेरे लिए और आप भी अगर लेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन गाइस, मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो पेन ड्राइव है तभी ले जब आप कोई यहाँ पर ऑफर चल रहा हो, चाहे अमेजोन पर चाहे फ्लिपकार्ट में, जब ऑफर चल रहा है तो उसका जो प्राइस है और थोड़ा घट जाएगा तब इसको लीजिए तो आप ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदे में होंगे। तो चलिए गाइस, इसको आप अभी फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो गाइस, ये है पेन ड्राइव और आप यहाँ पर देख सकते कि ये जो पेन ड्राइव है कितना छोटा है, मैं यहाँ पर उंगली पर रख के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, बहुत ही प्यारा है और एक क्लासिक यहाँ पर डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, ऊपर की तरफ एक टेक्सचर आपको देखने को मिल जाता है और मिडिल में यहाँ पर SanDisk का यहाँ पर लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही क्लासिक यहाँ पर डिज़ाइन दिखाई देता है और दोनों की तरफ यहाँ पर दोनों पोर्ट्स आपको नज़र में आएगा, एक टाइप सी और दूसरी तरफ नॉर्मल USB। तो गाइस, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बटन टाइप का यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे आप बटन को प्रेस करते और पुश करते तो एक साइड में आपको टाइप सी यहाँ पर पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है और इन द सेम वे आप फिर से प्रेस करते फिर पुश करते दूसरी तरफ तो आपको इस साइड में आपको USB पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको लिखा गया है 128 GB का पेन ड्राइव। तो गाइस, यहाँ पर बहुत ही क्लासी यहाँ पर एक डिज़ाइन देता है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, इसके ऊपर जो टेक्सचर आपको मिल जाता है बहुत ही अच्छा है और मिडिल में SanDisk का लोगो है वो भी आपको बहुत अच्छा स्क्रीन देखने को मिल जाता है। तो मेरा वर्डिक्ट यही रहेगा कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट बिल्ड क्वालिटी है और देखने में बहुत ही छोटा और प्यारा लगता है। तो गाइस, इसका जो एक बार इसको टाइप सी जो पोर्ट दिया गया है तो आपको फ़ोन में इसको कैसे इंसर्ट करना है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो फ़ोन है वो है गूगल पिक्सल 2 और इसमें टाइप सी यहाँ पर पोर्ट दिया गया है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, अपने जो पेन ड्राइव है उसको मैं इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर आप जैसे ही आप इसमें इंसर्ट करते ऊपर की तरफ यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप इसका जो आ जाएगा नोटिफिकेशन उसमें टैप कीजिए और इसमें आप देख सकते हैं इसमें पेन ड्राइव आ चुका है और इसमें आप देख सकते हैं इसका 123 GB फ्री, मतलब 123 GB अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, 128 GB में अगर 123 GB आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है तो बहुत ही एक अच्छा बात है। और गाइस, ये जो पेन ड्राइव है वो USB 3.1 के साथ आता है, मतलब कि बहुत ही फास्ट है। तो कितना फास्ट है वो अभी यहाँ पर मैं चेक करूँगा अपने लैपटॉप में, ये जो मैं पेन ड्राइव है इसको इंसर्ट करूँगा और देखूँगा एक फाइल यहाँ पर कॉपी करने के लिए यहाँ पर कितना टाइम यहाँ पर लगता है। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पर इंसर्ट करते हो अपने लैपटॉप में यहाँ पर एक आइकॉन देखने को आपको मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर जो आउट ऑफ द बॉक्स कितना यहाँ पर स्टोरेज आपको मिल जाता है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। हालांकि मैं पहले यहाँ पर दिखा चुका अपने फ़ोन में, लेकिन फिर भी आप एक बार आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाता है 122.9 GB, लगभग 123 GB यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गाइस, यहाँ पर जो वीडियो फाइल है जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँ उसका भी एक बार साइज़ दिखा देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो है 525 MB। तो गाइस, यहाँ पर 525 MB का फाइल कितना टाइम यहाँ पर लगता है कॉपी होने में वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम यहाँ पर लगता है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विद इन 5 सेकेंड ये 525 MB का फाइल यहाँ पर कॉपी हो जा रहा है। तो इसका जो क्लेम है 150 MB/s, तो लगभग यहाँ पर सही आ रहा है। तो गैस मेरा वर्डिक्ट यही है कि बहुत अच्छा है पेन ड्राइव है, चाहे लुक्स के डिपार्टमेंट में हो चाहे इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो गैस इसको आप परचेस कर सकते हैं। तो गैस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में आए तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सके। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइज़।